अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हैप्पी बर्ड 92। यकीनन आप और आपके बर्ड्स खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। आइए व्यूवर्स, आज आपके लिए एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आए हैं। आपको बताते हैं कि ब्रीडिंग सीजन की क्या टिप्स होती हैं और इनमें आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डीवॉर्मिंग, डीवॉर्मिंग का मतलब है कि परिंदों के पेट में, आंतों में जो कीड़े पैदा हो जाते हैं उनको कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि अगर बर्ड्स की डिवॉर्मिंग ना की जाए तो बर्ड्स जो हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और ब्रीडिंग नहीं करते। डिवॉर्मिंग करने का तरीका आपको बताते हैं कि सेब का सिरका लीजिए और सेब के सिरके को 1 लीटर पानी में 10 ml सिरके को डालें और उसको हल करें और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। आपने ये सिरका 4 घंटे के लिए बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। वाला जो पानी है वो 4 घंटे के बाद आपने रिमूव कर देना है, निकाल देना है और उसमें आपने ताज़ा पानी डाल देना है। दूसरे नंबर पर आपने बॉक्स लगाने हैं और बॉक्स को लगाने से पहले उनको अच्छी तरह साफ करना है। उनमें कोई भी कीड़े मार पाउडर जो है वो आपने डालना है और उनको 1-2 दिन के लिए धूप में रखकर उनको बिल्कुल आपने फ्रेश करना है। ब्रीडिंग सीजन में आपने अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड लाजमी प्रोवाइड करना है। सॉफ्ट फूड में जो आम सी चीज़ है, आप सबके लिए बड़ी आसानी से आप उसको बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है ब्रेड और उबला हुआ अंडा। आपने ब्रेड को मैश कर लेना है और उबला हुआ अंडा उसमें मिक्स करके, मैश करके वो आप क्रश कर सकते हैं। कद्दूकश के साथ क्रश कर सकते हैं, छोटी मशीन में क्रश कर सकते हैं, ग्राइंडर में क्रश कर सकते हैं। उनको क्रश करके आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर। आपके बर्ड्स ये सॉफ्ट फूड ना खाएं तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इसके आदि नहीं हैं। तो आपने बर्ड्स को दाना जो है वो रात को निकाल देना है और सुबह आपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है। जब आप सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करेंगे तो ये आपने बिल्कुल थोड़ी मिकदार में उन्हें 1 चम्मच सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है और आधा घंटा के बाद वो सॉफ्ट फूड जो है वो रिमूव कर देना है। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता 2, 4, 5 दिन में आपके बर्ड्स जो हैं वो सॉफ्ट फूड को खाने लगेंगे। अक्सर व्यूवर्स के जहन में ये बात आती है और न्यू फैंसियर को ये अक्सर वीडियोज में भी पता चलता है कि कॉकटेल जो है वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पालते। व्यूअर्स, कॉकटेल भी अपने बच्चों को उसी तरीके से पालते हैं जैसे बाकी लव बर्ड्स या बाकी परिंदे पालते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो जो है सूरजमुखी का बीज या कोई भी हार्ड जो उनको प्रोवाइड किया गया दाना होता है वो ऐसे ही बच्चों को खिला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में मोर्टेलिटी यानी डेथ का जो रेशो है वो बढ़ जाता है। अगर हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, कॉकटेल को भी सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, तो यकीनन वो अपने बच्चों को नहीं मारेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पालेंगे। व्यूअर्स, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रीडिंग फार्मूला। ब्रीडिंग सीजन के स्टार्ट होने के साथ ही आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला लाजमी दें। ब्रीडिंग फार्मूला जो है वो आप बहुत ही आसानी से अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला ये है, आप स्क्रीन 1 किलो बाजरा लें और 1 किलो बाजरे को आपने 3 अंडे लेने हैं और 3 अंडों को मैश कर लेना है, उसे मिक्स कर लेना है और 3 अंडों का जो मिक्सचर है उसको आपने 1 किलो बाजरे में डाल देना है और उसको धूप में नहीं सुखाना। आपने उसको पंखे के नीचे रख देना है या छांव में रख देना है, वो तकरीबन आधे घंटे में या 1 घंटे में खुश्क हो जाएगा। फिर उसकियन कैप्सूल जो है वो 400 mg वाले 4 कैप्सूल आपने लेने हैं और उनको आपने जो खुश्क हुआ बाजरा है जो आज जिसमें आपने अंडे को मिक्स किया था उसमें इवियन कैप्सूल जो है वो उसके ऊपर आपने मिक्स कर देना है। उसी किसी बर्तन में डाल लें और अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें। अब ये जो बाजरा है आप अपने मिक्स दाना में वो शामिल कर लें तो ये आपका ब्रीडिंग फार्मूला तैयार है। और दिसंबर में आप इसमें जैतून के तेल के 4 चम्मच जो हैं वो 1 किलो बाजरा में शामिल कर सकते हैं। अगर आप 4 चम्मच उसमें शामिल कर लेंगे तो यकीनन वो आपके बर्ड्स को सर्दी से भी बचाएंगे और आपके बर्ड्स जो हैं वो अच्छी तरह ब्रीड करेंगे। सबसे अहम पॉइंट जो है वो हमने लास्ट नंबर पर रखा है कि अंडों को चेक करना। व्यूवर्स, जब आप अपने बर्ड्स के अंडों को चेक करते हैं, अगर चेक नहीं करेंगे तो आपके बर्ड्स जो हैं वो उसका वक्त जो है वो ज़ाया होता रहेगा और आप कम क्लच ले सकेंगे। अगर आप अपने बर्ड्स से अच्छी तरह और ज़्यादा ब्रीड लेना चाहते हैं तो अपने बर्ड्स के अंडों को आप बर वक्त चेक करें। अंडों को चेक करने का तरीका ये है कि आप कैंडलिंग कर सकते हैं और कैंडलिंग करने के लिए आप अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन कीजिए और जिस बर्ड ने 3 से 4 दिन जिसको अंडे ले किए हुए हो गए हों आप उसके अंडों को उठा लें और उन अंडों को एक एक करके मोबाइल की टार्च पर रखें।
जब आप मोबाइल की टॉर्च पर रखेंगे तो अभी आपको जूम इन करके दिखाते हैं कि आपको किस तरह का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एग है ये फर्टाइल है और ये रेडिश कलर का नज़र आ रहा है, और इसमें आप वेंस की मूवमेंट को भी देख सकते हैं और बर्ड की जो हार्ट बीटिंग है उसको भी देख सकते हैं। देखें, बड़े ही क्लियर अंदाज में पता चल रहा है कि ये जो एग है ये फर्टाइल एग है, और इसकी मूवमेंट को आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, कुदरत का ये हसीन मंजर है, दी ब्यूटी ऑफ नेचर है। ये देखिए, आप वेन्स की मूवमेंट को बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। जी व्यूवर्स, तो एक और अहम बात कि आपने बर्ड्स के एग को हर रोज़ चेक नहीं करना, इस तरह आपके बर्ड्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होने के बाद वो अपने अंडे ख़राब भी कर सकते हैं। अब जो आप एग देख रहे हैं ये इनफर्टाइल एग है। इनफर्टाइल एग जो है वो येलो कलर का होता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। ये आपको रेडिश नहीं येलो कलर का नज़र आएगा, या ये वाइट कलर का नज़र आएगा, और इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आएगी और यकीनन ब्रीडिंग सीजन में ये टिप्स आपके काम आएंगी। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।